जय हिंद साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको इंडियन रेलवे द्वारा बनाई गई हमारे स्टेशनों से रिलेटेड ये शॉर्ट फिल्म दिखाना चाहेंगे। मैं भारत का रेलवे स्टेशन, गरीब, मिडिल क्लास, साधारण लोग मेरे मेहमान होते हैं। मैं सबके लिए सोचता हूं, लेकिन अंग्रेजों के जमाने से मेरे लिए सोच गरीब ही होती थी। अब गरीब लोग धक्के नहीं खाएंगे तो और कौन खाएगा? गरीब थोड़े ही एसी की हवा खाएगा, वो तो लंबी सीढ़ियां चढ़ेगा, अपने बुजुर्ग माँ बाप को भी कष्ट से चढ़ाएगा। साधारण आदमी कहां एयरपोर्ट से सुविधा पाएगा? भले मैं देश की अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा इंजन हूं, लेकिन मॉडर्न बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तो बड़े लोगों के लिए बनेगा। देश का साधारण आदमी तो स्टेशनों पर पार्किंग से लेकर हर चीज के लिए धक्के ही खाएगा। चलो मान लो रेलवे स्टेशनों का उत्थान भी होगा तो वो भी केवल मुंबई दिल्ली में होगा, कहां छोटे शहरों के स्टेशनों का नंबर लगेगा। आज का दिन रेलवे के लिए सुपर संडे से कम नहीं रहा, क्योंकि इतने बड़े मेगा रेल शो में देश के अलग अलग हिस्सों में आज 508 रेलवे स्टेशनों के रीडेवलपमेंट की आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी। इस कार्यक्रम में अलग अलग स्टेशनों पर मुख्यमंत्रियों के अलावा वहां के सांसद, विधायक और दूसरे जनप्रतिनिधियों ने पीएम मोदी के अमृत भारत स्टेशन स्कीम में पार्टिसिपेट किया। दोस्तों, जैसे जैसे हमारी ट्रेनें हाईटेक होती जा रही हैं, वैसे ही अब हमारे रेलवे स्टेशन मॉडर्न होते जा रहे हैं। ABSS के तहत रानी कमलापति स्टेशन, गांधीनगर रेलवे स्टेशन और SMVT बेंगलोर पहले ही अपग्रेड किए जा चुके हैं। बता दें कि 1309 रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन स्कीम में चुना गया है, जिन्हें 24,470 करोड़ रुपए खर्च करके पुनर्विकसित किया जा रहा है। इनमें 960 करोड़ रुपए अकेले यूपी के प्रयागराज जंक्शन पर खर्च किए जाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि स्टेशन 1300 से ज़्यादा हैं और 508 स्टेशनों पर काम शुरू होगा, तो आपको बता दें कि ये ABSS का पहला चरण है। इस वजह से 508 स्टेशनों को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है, जो छोटे होने के बाद भी रेलवे को बेहतरीन राजस्व प्रदान करते हैं। इनमें जंक्शन, टर्मिनल और नॉर्मल रेलवे स्टेशन शामिल होंगे। योजना में उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा 156 रेलवे स्टेशन, महाराष्ट्र के 126, पश्चिम बंगाल के 98, बिहार के 92, गुजरात के 87, राजस्थान के 83, मध्य प्रदेश के 80, तमिलनाडु के 75, आंध्र प्रदेश के 72, झारखंड और उड़ीसा के 57, हरियाणा के 40, छत्तीसगढ़, दिल्ली के 32 स्टेशनों को अमृत भारत के लिए चुना गया है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो अभी यहां 34 स्टेशनों पर 983 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सबसे अच्छी बात ये होगी कि रेलवे बोर्ड जिन एजेंसी को ये काम सौंपेगा उनको 6 से 8 महीने के अंदर अंदर ये पूरा काम करके देना होगा। भोपाल डिवीज़न के जिन 11 रेलवे स्टेशनों का 235 करोड़ रुपए खर्च करके कायाकल्प किया जाएगा, इनमें इटारसी, नर्मदापुरम, हरदा, बनापुरा, संत हिरदाराम नगर, सांची, गंजवासुदा, विदिशा, गुना, रूठियाई, शिवपुरी, व्यावरा, राजगढ़ शामिल होंगे। ABSS में जिन व्यवस्थाओं और सुविधाओं की बढ़ोतरी होगी, इनमें स्टेशन की मेन बिल्डिंग को रिनोवेशन के अलावा लिफ्ट और एस्केलेटर, एग्जीक्यूटिव लॉन्च, वेटिंग एरिया, सिटी सेंटर, मॉल, फूड जोन, गेमिंग जोन, स्मार्ट पार्किंग, फ्री वाईफाई, एक समान साइन बोर्ड, हाई मास्क लाइटिंग, स्टेशनों के दोनों साइड से बेहतर अप्रोच रोड, स्टेशन की दीवारों पर शहर से जुड़ी कला संस्कृति की पेंटिंग, इको फ्रेंडली टॉयलेट, स्टेशनों पर ग्रीन एनर्जी का यूज और दिव्यांगजन, लेडीज और सीनियर सिटीजन के लिए एक्स्ट्रा फैसिलिटी प्रोवाइड कराना इस स्कीम का अहम हिस्सा होगा। मैंने विदिशा रेलवे स्टेशन जाकर इस इवेंट को कवर किया था, तो सोचा आपको एक बार विदिशा स्टेशन के बारे में भी बता दूं। हमारा भेलसा, जिसे अब विदिशा नाम से जाना जाता है, ये रेलवे स्टेशन बेतवा नदी के पास स्थित मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है। ये WCR के भोपाल मंडल में आता है। विदिशा रेलवे स्टेशन पर 4 प्लेटफॉर्म है। इस रेलवे स्टेशन पर तकरीबन 20,000 से ज़्यादा यात्री ट्रैफिक है। यहाँ पर 40 से ज़्यादा ट्रेनें स्टॉप लेती हैं। स्टेशन पर FOV के अलावा प्लेटफॉर्म नंबर 1-2 पर आपको लिफ्ट की सुविधा मिल जाती है। यहाँ स्टेशन के दोनों साइड टिकट विंडो हैं, हालांकि प्लेटफॉर्म नंबर 4 साइड की विंडो कुछ सालों से बंद पड़ी हुई है। स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर
टी, फूड स्टॉल के अलावा रिटायरिंग रूम, चारों प्लेटफॉर्म पर वाटर कूलर, पे एंड यूज टॉयलेट के अलावा प्रोटेक्शन के लिए आरपीएफ और जीआरपी पुलिस स्टेशन मिलेंगे। स्टेशन के प्लेटफॉर्म के बाहर साइड आपको एटीएम, मंदिर भी दिख जाएंगे। विदिशा स्टेशन के पास दो पर्यटन स्थल सांची बौद्ध स्तूप और उदयगिरी कैप्स हैं, जिनकी स्टेशन से दूरी लगभग 10 किलोमीटर है।